और मंडी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज, जिस तरह आज भगवान परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम छठे अवतार हैं विष्णु के, मैं तो ये समझता हूं कि हरियाणा के जो अनिल विज जी हैं, जो अम्बाड़ा की धरती पर जन्मे हैं, मैं उस कोक को प्रणाम करता हूं जिस कोक से इन्होंने जन्म लिया। और आज पूरे हरियाणा की, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, आज पुलिस की देश में हरियाणा पुलिस की जो सबसे पिछड़ी हुई पुलिस थी, जब से 2019 से आप गृह मंत्री बने हैं, हरियाणा पुलिस की एक ऐसी छवि बनी है, लोग रिस्पेक्ट करने लगे हैं, लोग उनको इज्जत की नजर से देखने लगे हैं। और जो आपके नेतृत्व में 2019 और 20 में कोरोना के लिए हमारा एंटी टेररिस्ट इंडिया आपकी मुहिम के साथ हमेशा रहेगा, ब्राह्मण महापंचायत हमेशा रहेगा। भगवान से दुआ करता हूं आप दीर्घायु रहो। जैसे आपने अम्बाड़ा कैंट को, आज सुभाष पार्क का नाम ऐसे लाए पूरी दुनिया के मानचित्र पर आ चुका है। जो काम आपने हरियाणा में किए हैं वो अम्बाड़ा जिला में किए हैं, वो पूरे प्रदेश में करें। और आपको कभी भी बुरी नजर न लगे, दीर्घायु रहे, निरोग रहे। जिस तरह आप मौत से लड़के भी, आप अक्सर अपने स्पीच में कहते हैं कि अगर मैं मर जाता तो अपने आप को माफ न कर सकता। आप कभी मर ही नहीं सकते, आप जैसे योद्धा, आप जैसे अवतार जो है वो दूसरों के लिए पैदा होते हैं, दूसरों के जो है फायदे के लिए, दूसरों के फलदार। आप प्रदेश के लिए, अम्बाड़ा के लिए फलदार भी हैं, सायादार भी हैं। मैं हमेशा आपकी इस मुहिम की तारीफ करूंगा। जो हरियाणा पुलिस 112 है, 112 तो एक ऐसा कमाल है। मेरे साथ एक वारदात होगी थी, मेरे दफ्तर पर अटैक हो गया था, मैंने 112 को टेलीफोन किया, 4.5 मिनट में 112 पहुंची। तो ये बहुत ऐतिहासिक बात है, गौरव की बात है। हम जल्द ही एक स्टेट लेवल का फंक्शन अम्बाड़ा में करेंगे, आपको बहुत बड़ा ऑनर करेंगे। मैं एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी आपकी जो है प्रशंसा करते हुए कहता हूं कि एक सरदार पटेल जो है अमित शाह है, और हरियाणा का सरदार पटेल जो है वो गृह मंत्री अनिल विज है। धन्यवाद भाई अनिल विज, भाई अनिल विज, भाई अनिल विज।